हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम दोबारा बनाने जा रहे हैं जो रेवलेशन ऑफ माया का जो इवेंट पिछली बार आया था, इस बार सेकंड टाइम भी आया। तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि लास्ट राउंड पर जितने आपके ज़्यादा ट्रूप्स बचे होंगे उतने ज़्यादा स्कोर आपको मिलेंगे। आपके हाई स्कोर जो 10,000 11,000 जो लोगों को मिल रहे हैं, वो टोटल स्कोर जो बीसवें लेवल पर जाके जितने सिपाही आपके बचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सिपाही कम होंगे तो आपको स्कोर कम मिलेंगे। और ध्यान रखें, ये जो टावर है पॉइजन टावर, ये ज़रूर आप रिफ्रेश करके दोबारा ले लें। चलो हम पहला पार्ट बनाते हैं। तो ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगा रेंज ट्रूप, जो आर्चर्स हैं या तीर कमान वाले जो सिपाही हैं, क्योंकि वो जो रेंज ट्रूप्स हैं उनकी रेंज थोड़ी दूर से वो अटैक करते हैं। माउंटेड ट्रूप, ग्राउंड ट्रूप, ये दोनों ज़्यादातर जख्मी होते हैं। हाँ, सेज मशीन भी काम आ जाते हैं, तो इसलिए हम पहले रेंज ट्रूप वाले सिपाही सेलेक्ट करेंगे और जनरल सेलेक्ट करेंगे और रेंज ट्रूप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो भी जनरल है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम रेंज ट्रूप के साथ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये था पार्ट वन। पार्ट टू में आपको बताऊंगा कि जब मेरे स्कोर कितने बने तो अपनी जो र्यून्स की आइटम्स है वो बचा के रखें, जो कि हीलिंग ट्रूप्स है या और भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।